फिस्टुला क्या होता है? बगंदर और फिस्टुला बेसिकली एक तरह का गुदा द्वार के मार्ग के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम होती है जिसमें एक टनल सी बन जाती है, एक छेद सा हो जाता है कि जिसके अंदर से पस या ब्लड या कई बार गैस वगैरह निकलनी शुरू हो जाती है टॉयलेट के रास्ते के बिल्कुल साथ में, या गुदा द्वार एग्जैक्टली एनस की ओपनिंग के साइड में, जिसे बगंदर कहा जाता है। ओके, बगंदर के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? तो बगंदर के अंदर क्या लक्षण ये होते हैं कि पेशेंट को एक एनस के आसपास गुदा द्वार के मार्ग के कहीं पे भी एक स्वेलिंग सी फील करता है, जैसे कोई गांठ सी हो गई है। जब पॉटी करके आता है उसके कुछ टाइम बाद उसको उसमें दर्द सी थोड़ा प्रेशर सा महसूस होता है, और धीरे धीरे वो गांठ में से कभी खून आना शुरू हो जाता है, कभी पस आना शुरू हो जाता है। कई बार वो गांठ इतनी मोटी हो जाती है कि उसमें पस इतनी भर जाती है जिसके कारण पेशेंट को बुखार आना शुरू हो जाता है, वो बैठ भी नहीं पाता, लेट भी नहीं पाता, उसका मन करता है मैं खड़ा रहूं, और खड़ा होने में भी उसको परेशानी हो रही होती है। ये कॉमन सिम्टम्स हैं बगंदर के। पर कई बार इंटरनल बगंदर अंदर की तरफ बगंदर होती है जिसके अंदर ये सिम्टम्स भी पता नहीं चलते उसको, उसको सिर्फ पस आ रही होती है, बाहर कहीं कोई गांठ नहीं फील होती होती है। तो उस तरह के फिस्टुला को इंटरनल फिस्टुला या अंदर की अंदरूनी बगंदर कहा जाता है। बगंदर के कारण क्या होते हैं, क्यों होता है, और क्या कोई स्पेशल लाइफस्टाइल के लोगों को ये हो सकता है? बगंदर बेसिकली किसी को भी हो सकता है, छोटे बच्चों के अंदर मैंने देखा है, 1-1.5 साल के बच्चों में भी देखा है, उनका ट्रीटमेंट भी किया है, बड़े लोगों के अंदर जो एडल्ट्स हैं उसमें भी, फीमेल्स में, खास करके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब कॉन्स्टिपेशन होती है उसके बाद उनके अंदर काफ़ी कॉमनली देखा गया है, एल्डरली बहुत बड़ी उम्र के लोगों में भी देखा गया। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई एज ग्रुप इसको होना है इसको नहीं होना, ये किसी को भी हो सकता है। प्राइमरली एक तरह का ये कट है टॉयलेट के रास्ते के अंदर से जो कब्ज के बाद शुरू होता है, और उसके बाद वो पंचर बढ़ता जाता कट, और वो एरिया को जो गुदा द्वार को पंचर कर देता है एक तरह से, एक उसमें से छेद बना देता है जिससे पस मल लैटिन के आसपास इकट्ठा शुरू होना शुरू हो जाता है, जिससे पेशेंट को दर्द और स्वेलिंग फिज महसूस होती है, पस महसूस होती है। तो ये एनी वन कैन गेट दिस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक प्रकार के लोगों को ये होगा क्या। और कॉमनेस्ट काज इसका कब्ज ही है, कॉन्स्टिपेशन है, हार्ड लैटिन आती है वो अंदर से उसको चीर देती है, पेशेंट को लगता है कि उसको फिशर हुआ है, वो फिशर का ट्रीटमेंट शुरू कर देता है, फिशर की दवाइयाँ खाता रहता है, पर वो फिशर एक्चुअली वो फिशर इग्नोर करते करते एक तरह से कट इतना डीप हो जाता है कि जिससे वो पंचर बन जाता है, पंचर बनने के बाद वो फिस्टुला में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे फिस्टुला का मुख्य कारण फिशर हो सकता है। यस, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द फिस्टुलास आर बिकॉज ऑफ फिशर। तो उस चीज को इतना लोग अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे, आज भी मेडिकल साइंस में बहुत सारे और कारण बताए जाते हैं, एनल ग्लैंड के कारण हो गया या किसी को ट्यूमर के कारण हो गया, ये हो सकते हैं, ये भी एक कारण है। बट अगर हम 100 पेशेंट देखते हैं उसमें 70 से 80 के अंदर कॉन्स्टिपेशन इज द कॉमनेस्ट काज एंड इग्नोर्ड फिशर। इग्नोर फिशर का मतलब है कि फिशर हुआ, कट लगा अंदर बॉडी के रास्ते में, फिर आपने उसकी दवाइयाँ लगानी शुरू कर दी। दवाइयाँ में कुछ भी, कई तरह की दवाइयाँ अवेलेबल हैं, मोस्टली दवाइयाँ ऐसी हैं जो उस एरिया को सुन कर देती हैं। तो ये एक प्रकार से ऐसा हो गया कि आपने उस एरिया को सुन कर दिया, हाथ पे कहीं चोट लगी है यहाँ पे सुन कर दिया, और फिर आपने उसको चाकू से काटते रहे, तो जब वो काटते जाओगे तो धीरे धीरे वो पूरा फट जाएगा। यही प्रॉब्लम उस एनल कैनाल के साथ होती है कि जब फिशर होता है उसकी दवाइयाँ लगा लगा के उसको सुन कर दिया जाता है, सुन करने के कारण आगे आगे जैसे जैसे मल आता है हार्ट पॉटी होती है वो उसको काट देती है, वो काटते काटते कंप्लीट पंक्चर बना देती है। एंड आदमी सोचता है कि मेरी दर्द तो ठीक हो गई सुन की दवाई से, मैं तो ठीक हो गया, बट एक्चुअली वो ठीक नहीं हो रहा था, वो अपनी इंजरी को बढ़ा रहा होता है। तो हमको राइट टाइम के ऊपर उसके जो कट लगे हैं, फिशर लगे हैं, उसको ठीक करना है। अगर उसके गुदा मार्ग में कोई प्रॉब्लम है, कोई रुकावट है, उसको नॉर्मल बनाना है, तब ये बीमारी अर्ली स्टेज पे ही डिटेक्ट करके ठीक की जा सकती है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द फिशर्स विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ फिस्टुला, कि सारे ज्यादातर सभी फिशर जो हैं वो बगंदर बनते हैं। फिस्टुला के इलाज के तरीके क्या क्या रहते थे पहले के जमाने में, करते
कन्वेंशनल सर्जरीज के बारे में हमने सुना है। फिस्टुला के इलाज से पहले मैं बात करना चाहूँगा कि फिस्टुला को डिटेक्ट कैसे करें। उसके लक्षण हैं एक तरह से स्वेलिंग हुई, गांठ बनी, पस आई। अब फिर भी कई कारणों से कई बार नॉर्मल फिंसियाँ भी हो सकती हैं उस एरिया के अंदर, जो कॉमनली समझा जाता है। बट आमतौर पर ये समझ के चलना है कि अगर एनस द्वार के आसपास कोई फिंसी हो रही है तो उसमें हमें बगंदर को रूल आउट करके ही चलना है। तो हमें पता कैसे चलेगा, एक तो देखने से पता चलेगा, एग्जामिनेशन से पता चलेगा। दूसरा एक कॉमनली परफॉर्म टेस्ट है जो काफ़ी इजीली अवेलेबल है आज की डेट में। पहले काफ़ी कॉस्टली भी होता था पर अब काफ़ी कॉमन हो गया और इजीली हर जगह पे अवेलेबल है, जिसको MRI कहा जाता है। MRI एक टेस्ट है जिससे हम किसी भी तरह के फिस्टुलास को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर आपका रेडियोलॉजिस्ट MRI पढ़ना अच्छे से जानता है। सबके लिए MRI इतनी ईजी नहीं है, काफ़ी बार अच्छी सेंटर्स पे हमारी रिपोर्ट आती है, हमारे पास रिपोर्ट आती है जिसमें फिस्टुला 6 पे होता है और एक्चुअल में 12 पे लिखा होता है, 12 पे लिखा होता है या कुछ भी लिखा होता है। बट अगर कोई रीजनेबली गुड रेडियोलॉजिस्ट है वो फिस्टुलास को आइडेंटिफाई कर सकता है। तो MRI बेस्ट टेस्ट है इसके लिए। सेकेंड टेस्ट है अल्ट्रासोनोग्राफी, जो हमें को ट्रांसएनल अल्ट्रासाउंड होता है जो हमारे को फिस्टुला की रूट्स को दिखा सकता है। साइनोग्राम एक टेस्ट पहले आता होता था जिसका आज की डेट में कोई रोल नहीं है और पहले भी कोई रोल नहीं था एक्चुअली। ये ज़्यादा कंफ्यूज करता है फिस्टुला के अंदर, जहाँ पे ओपन फिस्टुला है, एक तरफ रूट बनी है, यहाँ से दवाई डाली दूसरी तरफ से निकल गई, ये सिर्फ हमें उसकी गाइडेंस करता है। वो हम ऑपरेशन के दरमियान भी कर सकते हैं। ये एक प्री ऑपरेटिव इन्फॉर्मेशन कुछ देता था, जब तक अच्छे टेस्ट अवेलेबल नहीं थे तब तक ये करना इज़ ओके। बट प्राइमरली ये कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट करता है लो एंड हाई फिस्टुलाज के अंदर, और काफ़ी बार ये ब्लाइंड एंडिंग फिस्टुलाज दे देता था कि नहीं जी ये फिस्टुला अंदर जा ही नहीं रहा, इसका मतलब ये फिस्टुला नहीं है। बट कई बार इतनी माइक्रो ओपनिंग्स होती हैं कि वो साइनोग्राम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। ये साइनोग्राम एक तरह का नॉर्मल एक्सरे है, बट जो MRI है वो इसके लिए बेस्ट टेस्ट है। बहुत रेयरली हम CT स्कैन को कंबाइन करते हैं MRI के साथ, कुछ तरह के फिस्टुलाज जिसके अंदर एयर सिग्नल ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फ्लूड सिग्नल। जहाँ फ्लूड सिग्नल है वहाँ MRI हमें फ्लूड तो दिखा देगी, बट जहाँ पे जिन फिस्टुलाज के अंदर एयर आ जाती है, हवा पेशेंट फील करता है कि मेरे को सर यहाँ पे गुदा द्वार में या टेस्टिस में यहाँ पे एक जगह पे हवा इकट्ठी हो जाती है और थोड़ा बैठता हूँ या गैस पास होने के बाद रिलीफ मिलता है, एक्चुअली उन केसेस के अंदर इवन MRI और CT भी फेल हो जाते हैं टू आइडेंटिफाई दिस टाइप ऑफ फिस्टुलाज। तो इसमें आपकी क्लिनिकल जजमेंट ही काम करती है। काफ़ी बार मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं कि जिसमें पेशेंट शुरू में जब आया पहले तो डॉक्टर के पास गया कि सर मुझे यहाँ से टेस्टिस के अंदर गैस सी फील होती है और कुछ पॉटी के रास्ते में तकलीफ होती है, तो उसको देखा गया, चेक किया गया, क्योंकि कोई ओपनिंग नहीं दिख रही थी, उसे ये बोल दिया कि नहीं तुम्हें कुछ नहीं है। ऐसे वो कई जगह पर वो दिखा के आए, फिर उन्होंने सोच लिया कि कुछ नहीं है, और बाद में कुछ टाइम बाद जब वहाँ से पस आनी शुरू हुई तब आइडेंटिफाई हुआ कि ओहो ये तो फिस्टुला की बनने की शुरुआत थी। तो जब शुरुआत होती है कई बार सिर्फ वहाँ पे एयर होती है, अब एयर को आइडेंटिफाई करना और ज़्यादा मुश्किल है। ये अच्छे से अच्छे रेडियोलॉजिस्ट के लिए भी चैलेंज है, और हमने बहुत सारे रेडियोलॉजिस्ट को अगर कोई बार पेशेंट टाइम दिया जाता है कंसल्ट करके मल्टीपल बार MRI करा के भी हम उसको नहीं आइडेंटिफाई कर पाए, देन वी डिड द CT स्कैन अलॉन्ग विद MRI जिसमें हमको वो वाले फिस्टुलास की आइडेंटिफिकेशन हुई। तो MRI इज बेस्ट टेस्ट, समटाइम वी नीड टू कंबाइन इट विद द CT स्कैन। तो ये सारे टेस्ट हैं जो हमें एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि फिस्टुला कहाँ है, कितनी उसकी सिवेरिटी है, क्या उसकी ग्रेड्स हैं, हाई ग्रेड है, लो ग्रेड है, या कितना उसने स्फिंक्टर्स इन्वॉल्व किए हुए हैं, एक ओपनिंग है, दो ओपनिंग है, एनोस्क्रोटल फिस्टुला है, या वो हॉर्सशू फिस्टुला है, या वो वाई शेप्ड फिस्टुला है। कई बार वाई शेप्ड इन्वर्टेड वाई शेप फिस्टुलाज होते हैं कि उसके दो मुँह अंदर होते हैं और बाहर एक मुँह होता है। कई बार वी शेप फिस्टुलाज होते हैं, अंदर एक है, ऊपर की तरफ दो मुंह हैं। कई बार वो W शेप फिस्टुलाज होते हैं कि W की शेप में पूरा गया होता है, और कई बार ये हॉर्सशू होता है। तो ये कई तरह के फिस्टुलाज हैं। इवन ऐसे ऐसी शेप्स जो हमने देखी हैं, K शेप्ड फिस्टुलाज, स्टार टाइप जो मतलब फिस्टुलाज, हर तरह के, जहाँ जहाँ कई बार तो 20 ओपनिंग भी पूरे एनस के अराउंड हो जाती हैं। तो इस तरह के फिस्टुलाज की अलग अलग शेप ले लेते हैं। कई बार सेंटीपीड जो होते हैं, एंट्स जैसे होते हैं, उनके पैरों की तरह इतने छेद बन चुके होते हैं कि 20-20 उसके वो बन रखे होते हैं, तो इसको एक एंट शेप फिस्टुला भी बोल सकते हैं। तो
किस तरह के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और इसकी अकॉर्डिंगली टू MRI हम उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं एंड देन उनका ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट की विधियाँ क्या क्या रहती थी फिस्टुला के इलाज के लिए पुराने जमाने की, जैसे हमने सुना है कन्वेंशनल सर्जरी सुना है। हाँ, कन्वेंशनल सर्जरी एक बहुत ज़्यादा ना इसके बारे में मिथ्स क्रिएट हो गई हैं। कन्वेंशनल सर्जरी की नॉर्मल सर्जरी करते थे तो पेशेंट ठीक नहीं होता था, उसके बाद ठीक ना होने का कारण यह है कि इंटरनल ओपनिंग या तो मिली ही नहीं और या इंटरनल ओपनिंग इतनी डीप है कि वहाँ तक वो जो डॉक्टर हैं वहाँ पहुँचने से या तो वो डर रहे हैं, उस एरिया को टच नहीं करना चाह रहे, और काफ़ी बार होता है कि वो एरिया ऐसे एरिया में होता है कि जहाँ गुदा मार्ग के जो कंट्रोल का एरिया है अगर वो इन्वॉल्व हो गया तो उस टाइम के ऊपर सर्जरी करने के लिए काफ़ी डॉक्टर्स मना कर देते हैं, और या फिर उस एरिया में काम करते करते वो हट जाएंगे कि नहीं या ये काम हम नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे। तो वो आधा अधूरा छोड़ने के कारण इसमें मिथ्स क्रिएट हो गई कि नॉर्मल सर्जरी करेंगे तो वो दोबारा हो जाएगा, दोबारा नहीं होगा। अगर वो मीडियम ग्रेड सर्जरी फिस्टुला है या लो ग्रेड फिस्टुलाज हैं तो वो ठीक हो जाएंगे सर्जरी से, बट अगर हाँ वो कॉम्प्लेक्स है तो डेफिनेटली आप उसको मिस करोगे। नॉर्मल सर्जरी की टेक्निक्स जो हैं फिस्टुलॉटमी होती है, फिस्टुलेक्टमी होती है, ये कन्वेंशनल सर्जरी के अंदर गिनी गई हैं। ठीक है, इसी के बाद में और कन्वेंशनल सर्जरी के अंदर ही लेज़र्स यूज़ करने शुरू कर दी, वो भी एक पुरानी टेक्निक है जिसके अंदर लेज़र लगाते हैं और उससे उसको बर्न कर देते हैं। रादर उसमें पेशेंट्स की रिकरेंस मैंने ज़्यादा देखी है, बहुत जगह से लोग लेज़र करके आते हैं, सर हमने तो लेज़र करवाया था। सिर्फ लेज़र करना या किसी फिस्टुला को जलाना इज़ एज गुड एज आपने उस टिश्यू को सफाई की है विदाउट एनी रिमूविंग द इंटरनल ओपनिंग। जब तक आपने इंटरनल ओपनिंग को ख़त्म नहीं किया तब तक वो दोबारा होनी है, चाहे वो लेज़र कर लिया, चाहे वो फिस्टुलॉटमी कर लिया, चाहे वो फिस्टुलेक्टमी कर लिया, अगर आपने इंटरनल ओपनिंग्स ख़त्म नहीं करी तो फिस्टुला दोबारा होना है। अनदर रीज़न जिसके बारे में बोला जाता है कि फिस्टुला कन्वेंशनल सर्जरी में क्यों फेल हो जाता है, कन्वेंशनल सर्जरी में फेल सब केसेस में नहीं होता है। सबसे पहले ये जानकारी सबसे इंपॉर्टेंट है कि आदमी ये सोचा गया कि कन्वेंशनल सर्जरी अगर मैं करवा रहा हूँ तो मेरा फिस्टुला फेल होना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कन्वेंशनल सर्जरी के अंदर होता क्या है कि जब फिस्टुलेक्टमी या फिस्टुलॉटमी की जाती है तो उसके अंदर फिस्टुला का वो जो ट्रैक है वो निकाल दिया जाता है और उस एरिया को ओपन कर दिया जाता है और रेगुलरली उसमें ड्रेसिंग होती है। पर अब क्या है, स्किन ऊपर स्किन है, नीचे फैट है, फैट वाले टिश्यू के अंदर ठीक होने की रिकवर करने की ताकत स्किन जितनी नहीं है क्योंकि उसमें उतनी ब्लड सप्लाई नहीं है। तो क्या होता है, स्किन पहले जुड़ जाती है, फिस्टुला का ट्रैक जो अंदर वाला गुदा के मार्ग का या बीच का जो फैट वाला टिश्यू है वो खाली रह जाता है। जब वो खाली रह जाता है तो वो वीक रहता है और वो तुरंत थोड़ा सा भी प्रेशर से वो दोबारा से खुल जाता है और वो ठीक नहीं। दिस इज कॉमनेस्ट अनदर रीज़न फॉर कि फिस्टुलेक्टमी या फिस्टेक्टमी जो फिस्टुलॉटमी है क्यों फेल हुई, उस पर दिस इज द अनदर रीज़न जिसके कारण ये फेल होती है। ठीक है, अब बात आती है लेज़र सर्जरी की। सर मैं लेज़र सर्जरी कराया था, मैंने इतना खर्चा भी कर लिया, एक बार नहीं सर मैंने 4 जगह लेज़र कराया था फिर हो गया। तो लेज़र से आपको समझना पड़ेगा कि लेज़र सिर्फ एक तरह का नाइफ है, एक वो नाइफ है जो कटिंग करेगा, ब्लडलेस कटिंग करेगा। वो एक टेक्निक है हमारी कि ये हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट, मेरे पास नाइफ है, एक इंस्ट्रूमेंट मेरे पास लेज़र है, एक इंस्ट्रूमेंट मेरे पास स्पेशल रेडियो फ्रिक्वेंसी है, कई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसका एक आर्मेंटेरियम है। ठीक है, अब अल्टीमेटली वो फिस्टुला को अगर हम ख़त्म करना है तो मैं उसको लेज़र दिखा के नहीं ख़त्म कर सकता, मेरे को उसकी इंटरनल ओपनिंग को ख़त्म करना है। अगर मैंने वो इंटरनल लीकेज पॉइंट ख़त्म कर लिया तो ट्रीटमेंट ख़त्म होगा, अगर वो नहीं ख़त्म होता तो मैं कुछ भी यूज़ करता जा रहा हूँ या मैं कुछ भी करता जा रहा हूँ तो वो ठीक नहीं होना। इट इज़ सेम विद ऑलमोस्ट एवरीथिंग। अगर मैं वाफ्ट की बात करता हूँ तो उसमें भी ऐसा है कि वाफ्ट का मुझे बेनिफिट क्या है कि वाफ्ट के अंदर मैंने अंदर जाके उसकी ओपनिंग को देख लिया, जो मुझे नॉर्मली देखने से मिस होने का चांस ज़्यादा होता है विद अ नॉर्मल विज़न, क्योंकि नॉर्मल विज़न से ये मैग्निफिकेशन मेरी 10 times ज़्यादा है, मुझे 10 गुना ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, तो छोटा छेद आइडेंटिफाई हो जाता है। कई बार कुछ एरिया ऐसा होता है जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट पहुँच ही नहीं सकता, हमारा नॉर्मल हाथ नहीं पहुँच सकता, डीप फिस्टुलास हैं, 25-25 centimeters लंबे फिस्टुलास हैं, वहाँ तक नॉर्मली अगर उतना डीप इतना 25 centimeters जाना है तो मैं इतना बड़ा कट लगा के वहाँ पहुँच पाऊँगा,
या फिर मेरे पास एक पतले से दूरबीन है जो वो सीधी वहाँ पे पहुँच जाएगी और मेरे को वहाँ दिखा देगी कि हाँ ये यहाँ खुल रहा है, तो मैं उसको आइडेंटिफाई करके उसको वहाँ से ख़त्म करने की कोशिश कर सकता हूँ, ठीक है। और दीज टाइप ऑफ फिस्टुलाज आर मोस्ट कॉम्प्लेक्स। तो हमारा वाफ्ट का भी मेजर रोल है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटरनल ट्रैक, कहाँ से फिस्टुला शुरू हो रहा है, और साथ में अगर पॉसिबल है तो वहाँ पे हम कोई भी रूट्स अंदर ना छोड़ें। अगर डीप रूट्स हैं, एक तो मैग्नीफाई होकर देख लिया हमने, एक जितनी भी डीप डेप्थ है एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर तक तो हम जा सकते हैं, उससे ज़्यादा है तो देन देर आर डिफरेंट फ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल, वो अलग चीज़ है। उसके बाद ज़्यादातर पेशेंट का फिस्टुला 2 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ऐसे होते हैं, इससे ज़्यादा लंबे बहुत रेयर है हमारे पास आते हैं, वो भी कम करते हैं, पर उन सब की कॉमन टेक्निक के अंदर उनकी बात करने का अभी कोई मतलब नहीं है। तो जो वाफ्ट का फ़ायदा है कि हम इंटरनल फिस्टुलास को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लाइट की किरणों के द्वारा हम कई बार वो लीकेज पॉइंट को भी ढूंढ पाते हैं, जहाँ से गैस फ्लूइड बाकी सिग्नल नहीं जाते वहाँ से लाइट पता चल जाती है, लाइट हमें ढूंढ के बता देती है कि प्रॉब्ली ये पॉइंट है जहाँ पे वीकनेस है, जहाँ से लाइट पास हो जाती है। ओके, तो वाफ्ट अलोंग विद हम लेजर यूज कर सकते हैं, ये हमें हेल्पफुल हो सकता है। वाफ्ट अलोंग विद लेजर यूज कर सकते हैं, वाफ्ट को हम किसी भी टेक्निक के साथ कंबाइन कर सकते हैं, वाफ्ट को हम सेटन के साथ भी कंबाइन करते हैं, वाफ्ट को हम कई बार लिफ्ट के साथ भी कंबाइन करते हैं। देयर आर डिफरेंट मोडालिटीज जो हम कर सकते हैं, स्पेशली कॉम्प्लेक्स फिस्टुलास में यूज होती हैं। नॉर्मल फिस्टुलास में हमें ज़्यादा कोई कॉम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें हम स्ट्रेट अवे आइदर जो भी हम चूज़ करते हैं या जो पेशेंट को समझ आता है वो किया जाता है। टेक्निक्स बहुत हैं इसके अंदर, बहुत हर तरह की टेक्निक्स अवेलेबल हैं, फिस्टुलेक्टमी है, लेज़र है, आपकी वाफ्ट है, देन फिस्टुला प्लग्स हैं। एक टेक्निक और जिसको मैं बात करना चाहता हूँ, फिस्टुला प्लग के अंदर क्या है कि एक छेद है, टनल है, उसके अंदर एक प्लग डाल दिया, एक तरह से उसको ब्लॉक कर दिया, बट जब अंदर हाई प्रेशर है और जो आपने प्लग डाला उसकी साइड से भी लीकेज शुरू हो जाती है। एम हमारा क्या है कि वहाँ पे फाइब्रोसिस क्रिएट करना, बट जब ये प्लग जाता है ये इट्सेल्फ इज़ ए फॉरेन बॉडी, तो बॉडी का काम होता है वो उसको रिजेक्ट करना शुरू कर देती है, वो उसको निकालने की कोशिश कर रही है। तो फिस्टुला प्लग एक काफ़ी मेजर फेलर तो आया ही आया, बट पेशेंट की नॉर्मल प्रॉब्लम से कॉम्प्लिकेट हो गई उसकी प्रॉब्लम आफ्टर यूजिंग दिस प्लग्स, तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम आई। फिर मिसयूज ऑफ लेजर्स के कारण भी एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम फील कर रहे हैं हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं उसके, कि जहाँ पे वो पेशेंट शुरू में तो कोई दिक्कत था नहीं ज़्यादा, लेज़र कराने चले गया, लेज़र कराया, उसमें बर्न किए, बर्न करके ट्रैक वहीं के वहीं रह गए, और उसके बाद वो अंदर पूरे में इन्फेक्शन होकर बहुत ज़्यादा गल गया। तो जब ये एरिया गल जाता है, अब ऐसी सिचुएशन में मुश्किल हमारी और बढ़ गई, जहाँ पे एक नॉर्मल सा फिस्टुला था अब वो इतना सारा एरिया गल गया, जितना वो ख़राब हो गया उतना हमें रिक्रिएट करना है। अब रिक्रिएट करने में हो सकता है हमें 4 महीने लग जाएं, हो सकता है 6 महीने लग जाएं, और कई पेशेंट ऐसे आते हैं, सर हम वहाँ पे गए थे, हमने वहाँ कराया, उसके बाद भी फिर ठीक नहीं हुआ। एंड ये कॉमन स्टोरी फिस्टुलेक्टोमी के साथ है, कॉमन स्टोरी फिस्टुलॉटमी के साथ है, कि 100 अगर ऑपरेशन होते हैं फिस्टुलेक्टोमी या फिस्टुलॉटमी तो 70 ही ठीक होने हैं, 30% चांसेस हैं रिकरेंस होनी है। और सेम प्रॉब्लम अगर आप इसी में सोचो कि मैं लेज़र करा के आया हूँ, तो हो सकता है उसमें 100% रिकरेंस भी हो जाए, अगर अंदर काम नहीं किया गया जहाँ ज़रूरत है। तो फिर आप कुछ भी टेक्निक यूज़ करते रहो, एम ऑफ ट्रीटमेंट इज़ हमें अंदर की फिस्टुला ओपनिंग को, अंदर की लीकेज को ख़त्म करना। जब तक हम उसके बारे में काम नहीं कर रहे, जब तक हमने अंदर का फिस्टुला का जो लीकेज पॉइंट है वो नहीं ठीक किया, तो बाहर हम कुछ भी करते रहें, बी इट कि आप कहीं पाइप लीक है आप उस पर प्लास्टर लगा लो, आप उस पर पेंट कर लो, आप उस पर बाहर से कुछ भी करते रहो, जब तक वो अंदर की लीकेज को ठीक नहीं करेंगे तब तक हमने ये बीमारी को कंट्रोल नहीं कर पाना, ठीक नहीं कर पाना। वो पेशेंट थोड़े थोड़े टाइम में आके परेशान होता रहेगा और आपको हर बार वो अपना वो खो बैठेगा, विश्वास खो बैठेगा ट्रीटमेंट से। और ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं, वो सोचते हैं कि सर मैं कभी ठीक होऊंगा कि नहीं, और हर एक का क्वेश्चन यही होता है कि सर क्या मैं ठीक हो जाऊंगा, मतलब आप वो ये बात तो बाद की बात करते हैं कि मुझे क्या टाइम लगेगा, कितना लगेगा, कैसे होगा, क्या मैं ठीक हो भी पाऊंगा कि नहीं, इतना अविश्वास उनका ट्रीटमेंट से हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि उनका ये इन्होंने सिर्फ सर्जरीज कराई हैं, लेज़र कराई है या वाफ्ट कराई है, उनकी ऑलमोस्ट हर पद्धति से विश्वास ख़त्म हो जाता है। उसका रीज़न ये है कि कई बार होम्योपैथी भी लोग देना शुरू कर देते हैं, होम्योपैथी देनी शुरू कर दी या आयुर्वेदिक देना शुरू कर दिया या इवन एलोपैथिक मेडिसिन एंटीबायोटिक्स,
एंटीबायोटिक्स ये चीज़ें सारी सिर्फ टेम्परेरी सप्रेस कर रही हैं, ये सारी चीज़ें जो एक्सटर्नल ओपनिंग है उसको बंद कर रही हैं, ये कभी भी इंटरनल ओपनिंग को बंद नहीं कर पाती। जब ये इंटरनल ओपनिंग जहाँ अंदर लीकेज है अगर उसको आपने बंद नहीं किया तो आप ऊपर से, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि चाहे आप उसके ऊपर पेंट लगा लो, चाहे आप उसके ऊपर से कुछ भी प्लस्तर व्लस्तर वट एवर यू आर चेंजिंग, वो नहीं काम करेगा अनलेस डेट लीकेज पॉइंट इज डेट। जब वो लीकेज पॉइंट को हम डील कर लेंगे फिर वो बाहर हील होना ही होना है। तो अब वो हील होने के लिए हमें अंदर काम करना है। जब हम अंदर काम करेंगे और हमें पता है ठीक होना, हालांकि पेशेंट्स ऐसे आते हैं, कई ऐसी स्टेज में आते हैं जिसके अंदर हमें बोलते हैं कि शायद तुम्हारा 10% चांस है ठीक होगे, 90% चांस है, मैं बीमारी को अभी कंट्रोल कर रहा हूँ, आगे कैसे हीलिंग होगी वो देखेंगे। पर अगर हमने उस दरम्यान में जो टाइम हमें मिला उसमें अगर हमने उसकी इंटरनल ओपनिंग को सारे को उस एरिया को जो डैमेज होके रिक्रिएट कर लिया, इंटरनल ओपनिंग को क्लोज कर दी वो लीकेज, तो वो पूरे ही ठीक होके गए हैं। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको कोलोस्टोमी बोल दिया, लैटरिन का रास्ता यहाँ बना देंगे, वो भी ठीक होके गए हैं। जिनके अंदर कई लोग ऐसे भी थे जिनकी कोलोस्टोमी बनी, नीचे से ऑपरेशन किया फेल हो गया, फिर उसके बाद उन्होंने फिर ऑपरेशन किया, फाइनली कोलोस्टोमी बंद किया, जैसे कोलोस्टोमी बंद किया वो नीचे का फिस्टुला वापस आ गया। तो तब से हमने ये कोलोस्टोमी करना भी ऑलमोस्ट बिल्कुल ही बंद कर दिया है, क्योंकि एक पर जब आप कोलोस्टोमी कर देते हो वो एक लो प्रेशर जोन बन जाता है नीचे का, तो जिसमें एक्सपेक्टेशन नॉर्मल है कि वो ऐसी सिचुएशन में जब वहाँ पे फ्लूड जा ही नहीं रहा, प्रेशर जा ही नहीं रहा, पट्टी जा ही नहीं रही, तो वो हील होना है। पर हील होने उस तरह की हीलिंग करा के हमें क्या फ़ायदा है कि जब हमने वहाँ से नीचे फिर वापस नॉर्मल प्रेशर दिया, जब उतना जितना प्रेशर नॉर्मली आता है, जैसे वो आएगा वो फिर से खुल जाएगा। तो इसके कारण ये बहुत सारे पेशेंट के अंदर ये भी देखा गया कि जब वो कोलोस्टोमी करा के आए, कोलोस्टोमी उस टाइम पे तो वो ठीक हो गए टेम्परेली, जब कोलोस्टोमी उन्होंने वापस बंद कराई वो फिस्टुला वापस आ गया। तो दिस इज अनदर मैकेनिज्म विच वी हैव टू डील। हमारा एम है एक रीजनेबली गुड प्रेशर के अंदर, जो नॉर्मल प्रेशर इंट्रा एनल कैनाल के हैं, उस टाइम पे अगर हम उस पर काम करेंगे तब पेशेंट ठीक होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर हम बाईपास कर दें और फिर उसको ठीक करें और फिर उसको जैसे ही ओपन करें वो फिर खुल जाए। तो एक तरह से हो गया कि नली को हमने साफ कर दिया, सेट कर दिया और पीछे से रास्ता कहीं और दे दिया और सोच रहे हैं कि जी ये अपने आप से ठीक हो जाएगी। अगर वो रास्ता चल रहा है, चालू रास्ते में अगर आपने रिपेयर किया है, उसको प्रॉपर चेक किया है, तभी वो ठीक होना है, अदरवाइज वो ठीक नहीं है। तो कोलोस्टोमी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रोल है, रोल वहाँ आता है उन पेशेंट के अंदर जहाँ सेप्टिसीमिया हो गया, जहाँ पूरा पस शरीर में फैल गया है और वहाँ पे टॉयलेट और उसके आने के कारण फिस्टुला के एरिया में पेशेंट के खून में अंदर भी सेप्टिसीमिया होता जा रहा है। तो हमें एमरजेंसी मेजर के लिए बहुत रेयरली कोलोस्टोमी करनी पड़ सकती है। और सेकेंड रीज़न उन केसेस के अंदर कोलोस्टोमी एडवाइज्ड है जहाँ एनल कैनाल ऑलमोस्ट गली गई है, नीचे कुछ कंट्रोल बचा ही नहीं है। जब नीचे कोई कंट्रोल है ही नहीं है तो फिर उस एरिया को हर टाइम गंदा रखने से अच्छा है कि हम एक ऐसे एरिया के अंदर से मल निकालें कि जहाँ से एटलीस्ट वो पेशेंट साफ भी कर सके और उसकी स्किन भी ख़राब ना हो। तो इन डैट केस जहाँ बिल्कुल कंट्रोल्स ख़त्म हो चुके हैं या बिल्कुल सेप्टिसीमिया हो चुका है, ओनली दिस टू सर्कमस्टांसेस कोलोस्टोमी इज इंडिकेटेड। और वेरी रेयरली जहाँ ट्यूमर आ गया है, कैंसर हो गया, जहाँ पता ही है हम आगे इलाज नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हम कोलोस्टोमी बनाते हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या ऐसा भी है कि लाइफ भर लोग कोलोस्टोमी के साथ सर्वाइव कर सकते हैं? फिस्टुला है, कर सकते हैं, पर फिस्टुला के अंदर कोलोस्टोमी के साथ सर्वाइव करना जरूरी नहीं है। हाँ, कुछ पेशेंट ऐसे हैं जहाँ पे एनल कैनाल है, जिनका एनल कैनाल का ही कैंसर हो गया। अब वो कैंसर के अंदर तो हमें समझ आता है कि हाँ भाई, हमने कैनाल ही निकालनी है या कैनाल निकल गई है, निकाल दिया है, तो नीचे से तो रोड से स्टूल जाना नहीं है। वहाँ हम नहीं चाहते कि वो एरिया हर टाइम पेरिनियम गंदा रहे जब वहाँ पे कंट्रोल ही नहीं है। तो इन डेट केस कोलोस्टोमी इज इंडिकेटेड, ठीक है। पर जहाँ पे फिस्टुला है जो क्योरेबल डिजीज है, फिस्टुला क्योरेबल है, जब फिस्टुला क्योरेबल है तो ऐसे केसेस के अंदर हम कोलोस्टोमी करके क्यों करें? और कोलोस्टोमी एक ईजी चीज़ नहीं है, हर एक के लिए ईजी नहीं है। हालांकि हम बीइंग अ डॉक्टर मैं बोल दूंगा कि हाँ ये सिचुएशन है, इसमें ए होना चाहिए, कोलोस्टोमी करो। बट फॉर द पेशेंट इट इज़ अ वेरी बिग थिंग, इट इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। फॉर द पेशेंट की पूरी लाइफ उसका स्टोर का रास्ता यहाँ पे बना हुआ है, हर टाइम पे स्टोर बिना कंट्रोल के आ रहा है, जब मर्जी इसको साफ करना पड़ रहा है। बट अगर इसकी इंडिकेशन है, अगर ये जरूरी है तो करनी है, बट नॉट फॉर फिस्टुला। प्राइमरली हमें ये समझना पड़ेगा कि फिस्टुला के लिए हम ये नहीं प्रेफर कर रहे, हम प्रेफर वहीं करेंगे जहाँ पे कोई और रीज़न है,
देर आर पेशेंट जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, अब पूरी बड़ी आंत ही गली हुई है, परमानेंट इलियोस्टोमी करके वो अपनी पूरी लाइफ जी रहे हैं, यहाँ से लैट्रिन का रास्ता बनाया हुआ है, और वो इवन स्विमिंग भी करते हैं, नॉर्मल लाइफ भी जीते हैं, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं कि स्मेल वगैरह भी नहीं फैलती, बट वो अलग केसेस हैं, या जहाँ कैंसर है, जहाँ का कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो वाली आँख निकालनी ही पड़नी है जो गल गई है, तो वहाँ पे अगर रास्ता बनाना पड़ता है तो डेट इज़ अ डिफरेंट थिंग, वहाँ एक्सेप्ट करना पड़ेगा, पेशेंट को करना पड़ेगा, उसके कोलोस्टोमी क्लब्स बने होते हैं, वो आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, कोलोस्टोमी रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होती हैं, बट दे आर ऑल मैनेजेबल, बट जहाँ ज़रूरत ही नहीं है वहाँ कोलोस्टोमी करना मेरे रिकमेंडेशन में नहीं आता। ओके, एक बहुत ही ज़्यादा मशहूर टेक्निक के बारे में हमने बहुत ज़्यादा सुना है, शार्क सूत्रा, बहुत लोगों से ये चीज़ सुनने को मिलती है, बहुत लोगों ने ये चीज़ करवाई भी होती है फिर भी उनका ठीक नहीं हो पाता है, तो इस टेक्निक के बारे में बताएंगे आप हमें। शार्क सूत्रा के बारे में एक कॉमन मिथ है कि ये 100% टेक्निक है, ऐसा नहीं है, शार्क सूत्रा के इतने रिकरेंसेस हैं वो रिपोर्ट नहीं होते, डेट इज़ ए डिफरेंट थिंग, क्योंकि वो अनरिपोर्टेड जाते हैं, जब पेशेंट हमारे पास आता है, हमारे पास इतने एन नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं जिन्होंने पहले शार्क सूत्रा कराया, 50-50 बार शार्क सूत्रा बदले, 10-10 साल शार्क सूत्रा कराया, तब भी ठीक नहीं हुए, और फिर वो आए और फिर हमने उनके ऊपर ट्रीटमेंट किया विद द डिफरेंट मोडेलिटीज, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम गॉट क्योर, कुछ पेशेंट्स थे जो अपना सारी चीज़ें ख़राब करके आए थे, जहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं थी, या कहीं ऐसे थे जहाँ कंट्रोल खत्म हो चुका था, या कहीं ऐसे थे जिनके अंदर ट्यूमर डेवलप था, कैंसर का कारण था, उनको छोड़ के मेरे ध्यान में नहीं है कि कोई पेशेंट ठीक ना हुआ हो, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट फिस्टुला इज क्योरेबल विद द राइट टेक्निक, और शार्क सूत्रा एक अच्छी टेक्निक है, ये मत सोचो कि शार्क सूत्रा खराब टेक्निक है, पर शार्क सूत्रा की प्रॉब्लम अलग है, प्रॉब्लम है कि शार्क सूत्रा एक जैसे पेशेंट जाग रहा है उसमें एक सुआ मारा जाता है, अब आपने वो सुआ सही जगह मार दिया तो चांसेस है कि वो ठीक हो जाएगा, और पेनफुल भी होता होगा, पेनफुल बहुत है, अब आप पेन हो रही है पेशेंट को, आप ऊपर से सुआ मार रहे हो, वो उछलेगा, आपको पता भी है कि मुझे यहाँ मारना है, हो सकता है फिर भी आप गलत जगह पे छेद कर दो, अब पहले तो पेशेंट के पास एक फिस्टुला था, अब वो दो फिस्टुला लेके बैठा है, और जो दूसरा फिस्टुला है हाइड्रोजेनिक फिस्टुला है, खुद क्रिएट किया गया है, जिसका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, जो नेचर ने किया वो तो हमें पता है कि ये इधर से निकला होगा, इधर से फटा ऐसे जाएगा, अब हाइड्रोजेनिक इज मोर डिफिकल्ट टू ट्रीट, और ऐसे केसेस में कई बार मसल्स बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, अब ऐसी सिचुएशन के अंदर ट्रीटमेंट जो एक रिलेटिवली ईजियर सिचुएशन थी वो ख़राब हो गई, और फिर भी मिथ ही है कि इससे सब के सब ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, इट इज़ नॉट 100%, और वर्स्ट पार्ट अबाउट दिस इज इट इज़ वेरी पेनफुल, पीपल आर नॉट एबल टू टॉलरेट दिस ट्रीटमेंट, अगर मुझे नहीं पता कितने परसेंट लोग करवा पाते हैं, पर ज़्यादातर लोग नहीं करवा पाते इसको, उसको बीच में छोड़ना पड़ता है बिकॉज ऑफ द सीवियर पेन, और दूसरी बात है कि वो रोज़ आप किसी को काट रहे हो, रोज़ चीरा दे रहे हो, कभी ऐसे खींच के कर रहे हो, कभी आप उसको एसिड से कर रहे हो, तो वो रोज़ रोज़ करना एक जिंदा आदमी के लिए वो करना बहुत मुश्किल होता है, एंड बट स्टिल आई विल से कि सम ऑफ द पेशेंट विल गेट क्योर विद द शार्क सूत्रा, ऐसा नहीं कि वो ठीक नहीं होंगे, बट अगर वो मिथ्स फैलाई जाएँ कि नहीं जी ये तो इससे ठीक होना ही होना है, इट इज़ नॉट 100%, यू हैव टू अंडरस्टैंड, और इसके बाद की कॉम्प्लिकेशन इतनी हमारे पास आती हैं, इतने लोग उसके बाद आते हैं, एंड ग्रेजुअली उनके ऊपर काम करना, जो काम हमें शायद टाइम पे आते हैं तो हम एक आधे महीने में ख़त्म कर देते हैं, जिसके लिए कई बार 6-6 महीने लग जाते हैं, सेम जैसे मैंने लेज़र के बारे में बोला कि लेज़र करा के आ गए, अब लेज़र करा तो आए हो बट उसके बाद वो जो जो गल गया है अब उसका क्या, वो तो अंदर ही है, फिस्टुला की ओपनिंग फिर वही है, तो जब तक वो सारी चीज़ें हमको रिक्रिएट नहीं करी, पूरी ठीक नहीं करी, तब हो सकता है अगर टाइम भी आए होते तो एक ही स्टेज में काम हो जाता, अब गड़बड़ करा के आए हो सकता है 6 महीने भी लग जाए, साल भी लग जाए, बट स्टिल इट इज़ क्योरेबल, ये सोच लेना कि अब ये तो हो गया तो अब मैं कभी होऊंगा ही नहीं, जो पेशेंट के कॉमनली मन का होता है कि मैं कभी ठीक होऊंगा कि नहीं, सही क्वेश्चन आता है कि मैं ठीक हो भी सकता हूँ कि नहीं, अगर आप उतना भी उसको बोलते हो कि हाँ ठीक हो जाओगे, वो इसमें भी बहुत कॉन्फिडेंट फील हो जाता है, कम्फर्टेबल हो जाता है, एंड वी नो कि हम इसको कर सकते हैं, बट कितना टाइम लगेगा इट विल डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ डैमेज, इट इज़ नॉट कि बाहर से कोई चीज डैमेज हो गई है, यहाँ से उठाई यहाँ लगा दी, ऐसा नहीं है, हमने बॉडी से ही हर चीज़ क्रिएट करानी है, अगर इतना टिश्यू लॉस है उसको बनने में ही 6-7 महीने लग जाना है, रातों रात नहीं बनना हुआ, और एम ये नहीं है कि सिर्फ बनाना है, हमें पहले अंदर बनाना है फिर बाहर बाहर आना है, अगर हमने बाहर पहले बना लिया तो भी हमारा 0 पे पहुँच गया, फिर वो कहीं और से रास्ता ले लेगा,
क्योंकि अंदर तो वो पड़ेगा और फिर रिकरेंस होती है। अब जैसे ही रिकरेंस होती है तब लोग इस पे झपट पड़ते हैं, अरे बोला था इसमें दोबारा होगा, अब दोबारा होगा। पेशेंट डिमोटिवेटेड है, उसे पता है यार मैंने दर्द भी सही ऑपरेशन भी कराया और मेरे को फिर हो गया, इसका मतलब ये तो ठीक नहीं होगा। अब ये ठीक नहीं हो रहा, फिर ये जाएगा जी, कोई भी उसको पकड़ेगा, अच्छा यार ये दवाई खा ले, ये जड़ी बूटी कर ले, ये ऐसा कर ले, एक्स वाई जेड एन नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स है। मैं सबके बारे में नहीं बोलना चाहूँगा, बट ऑल द दवाइयाँ, जितनी भी दवाइयाँ हैं, बी इट होम्योपैथी, बी इट एलोपैथी, बी इट आयुर्वेदिक, सबका एम एक ही है, अंदर का थोड़ा सा उसको लेक्सेटिव दे देना, कब्ज कम हो, और एंटीबायोटिक दे देना ताकि इन्फेक्शन कम हो जाए, तो उससे टेम्प्रेरी रिलीफ होगा, ठीक है। ऐसे में अगर जाते हैं तो हमारे पास बहुत बढ़िया बढ़िया इंजेक्शन है, 5 दिन में फिस्टुला ठीक, इंजेक्शन दिए 5 दिन में फिस्टुला ठीक, वो फिस्टुला नहीं ठीक होता, वो बाहर के इंजेक्शन के थे, बाहर की वो सूख जाती है, ओपनिंग बंद हो जाती है। अब वो बंद हुई, हो सकता है 15 दिन 20 दिन, और फिर उसको बोल देंगे तुम पूरी ज़िंदगी परहेज करते रहना, ऐसे करते रहना, अरे वो भाई अंदर का फिस्टुला तो वहीं के वहीं है, जब तक वो नहीं ठीक होगा बाहर की स्क्रीन बंद करके हमें क्या मिल गया। अब एक की जगह अगली बार एक नया छेद बनाएगा, आदमी खुश हो रहा है कि मेरा छेद बंद हो गया, बट विदाउट रियलाइजिंग कि अरे भाई ये यहाँ से यहाँ आ रहा था, अब तो निकल गया, अब निकल नहीं रहा, अब यहाँ से जाके यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, दर्द कर रहा है, और अब इसने एक और नया रास्ता बना लिया। तो स्टेप लैडर पैटर्न की तरह ऐसे 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 फिस्टुला चलते चलते हैं, एनोस्क्रोटल एनस से निकल के स्क्रोटम में पहुँच जाते हैं, स्क्रोटम से कई बार टेस्टिस में पहुँच जाते हैं, कई बार पेट में पहुँच जाते हैं, कई बार थाइस में पहुँच जाते हैं। ये सब चीज़ें हमने देखी हैं और ट्रीट करी हैं, यहाँ यहाँ तक ये पहुँच जाते हैं, तो वी कैन नॉट टेक इट लाइटली। आप दवाइयाँ लेके, मैं भी उसको, कोई भी एक्स वाई जेड भी उसको टेम्प्रेरी स्टॉप कर सकता है, वो कोई भी जिसको कुछ भी नहीं पता, आपका कोई लोकल केमिस्ट भी अगर आपको दवाई दे देगा एंटीबायोटिक, तो वो आपकी वो फिस्टुला टेम्प्रेरी कंट्रोल होना ही है, क्योंकि उससे इन्फेक्शन कम हो गया, धीरे धीरे स्किन बंद हो गई, बट डेट इज़ नॉट द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट तो अंदर की लीकेज बंद करना है, और वो बंद तभी होएगी जब हम अंदर जाके काम करेंगे। कटरा टेक्निक के शुरू करने से पहले मैं बाकी और जानकारी देना चाहता हूँ कि कटरा टेक्निक, हमने एक टेक्निक डिवाइस की है जिसके अंदर अंदर से खास करके स्पेशली एनोस्क्रोटिक फिस्टुला, लंबे लंबे फिस्टुला जो 15 सेंटीमीटर का फिस्टुला है, 25 सेंटीमीटर का फिस्टुला है, अब इतना बड़े बड़े फिस्टुलास हैं अगर, और आप उसके अंदर नॉर्मल सर्जरी में इतना बड़ा कट दोगे वन ऑप्शन, उसमें आपको 100% पता है कि वो ठीक नहीं होना। पहली बात कोई देगा ही नहीं इतना बड़ा कट, कोई भी समझदार डॉक्टर होगा उसे पता है कि मैंने इतना बड़ा काट दिया तो ये हील कहाँ से होगा, यहीं पे पॉटी लग रही है, यहीं पे सब कुछ हो रहा है, तो देन ही विल ट्रांसफर पेशेंट, या तो पेशेंट को डरा दिया जाएगा तुम तो कोलोस्टोमी करानी पड़ेगी, जैसे कोलोस्टोमी का नाम लेगा पेशेंट भागेगा, वो दूसरी जगह ढूंढेगा, अच्छा जो मेरे को कोलोस्टोमी के बारे में नहीं बोल रहा, जो मेरे को इजी रास्ता बता रहा है, इजी रास्ता वाला क्या कहेगा, अरे मैं दवाई दूंगा ठीक हो जाएगा, मैं कहता हूँ आप खाओ दवाई, कोई मना नहीं करता मैं दवाई खाने से कि ये दवाई मत खाओ वो मत खाओ, आप सब करो, हर जड़ी बूटी भी करो, पर वो करने से पहले एक आप MRI कराओ जिससे आपकी एक बेसलाइन गाइडलाइन हो जाए कि हाँ मेरी फिस्टुला की सिचुएशन ये है, एक्स है, उसके बाद 2 महीने खानी है 2 महीने खाओ, 10 महीने खानी है 10 महीने खाओ, 10 साल खानी है 10 साल खाओ, वो आपकी इच्छा है, पर हर 4 महीने बाद आप टेस्ट करते रहो, ठीक है। पर टेस्ट ये नहीं होगा कि एंटीबायोटिक खाई है उसके इमीडिएटली 4 दिन बाद आप MRI कराने चले गए, एंटीबायोटिक खाई है तो उस टाइम पे वो सप्रेस्ड होगा, आपका MRI वाला डॉक्टर अगर वो बहुत ही समझदार होगा तो वो उसे ढूंढ लेगा, अगर वो उसके लिए इजी सिचुएशन नहीं है, उसके लिए एक मुश्किल सिचुएशन है जब आपने उसको सप्रेस कर रखा है, तो वो जो जिसका बहुत एक्सपीरियंस है वो तो उसे आइडेंटिफाई कर लेगा, जिसका मॉडरेट एक्सपीरियंस है वो उसे मिस करेगा, वो सोचेगा अच्छा यार अब तो दिख नहीं रहा, पहले तो इतना मोटा दिख रहा था, वो सोचेगा अब वो एक लाइन बन गया है क्योंकि आपने दवाई खा के उसको पिचका दिया है, पर पिचकाना तो सोल्यूशन नहीं है ना, जिस दिन आपकी दवाइयाँ बंद हुई 10 दिन बाद फिर वो खुल गया, पर लाइफ टाइम दवाइयाँ खाना इज ऑल्सो नॉट राइट। एंटीबायोटिक आप एक खाओगे 10 दिन बाद वो रेजिस्टेंस हो जाएगी, फिर अगली खाओगे फिर वो रेजिस्टेंस हो जाएगी, कल को वो वाली दवाई किसी के ऊपर भी लागू नहीं पड़ेगी, तो अल्टीमेटली हम अपना नुकसान तो कर ही रहे हैं, साथ में सोशल सोसाइटी का भी नुकसान कर रहे हैं कि जिनको ये दवाई में खाने से कल को वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंस हो गए तो वो भी अब ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तो हम धीरे धीरे एक इन्वेंशन, एक जो दवाई इन्वेंट करी थी 20-25 साल की मेहनत के बाद, आपने उसका असर जीरो कर दिया क्योंकि आपने उसको रेगुलरली खा खा के बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस दिला दी, विच इज एक्चुअली रॉन्ग।
अब जब ये सब चीज़ें की हुई, ये खास करके इतने बड़े बड़े फिस्टुलाज आए, तब बहुत सारी टेक्निक्स आए। क्या टेक्निक आई? फिस्टुलेक्टमी, फिस्टुलोटमी खोल जाते हैं, क्योंकि इसके बारे में इतनी मिथ्स है कि ये ठीक नहीं होगा, ऐसा नहीं है, इससे भी ठीक होते हैं पर सारे नहीं होंगे। और दूसरी दिक्कत ये है, एक तो इनहेरेंट प्रॉब्लम ये है कि बड़ा घाव है, भरने में टाइम लगेगा, स्किन पहले भर जाएगी, अंदर रह जाएगा, दर्द ज़्यादा होगी, रोज किस किस के पट्टियाँ करनी पड़ेंगी, वो पेशेंट नहीं टॉलरेट कर पाते, घबराते हैं, खा देख के कई लोगों को चक्कर आ जाता है। तो वो चीज़ जो पेशेंट के लिए फिजिबल नहीं है, अगर उसको ऐसा सोल्यूशन दिया जाए तो डेफिनेटली वो भागेगा उससे, वो ईजी तरीके की तरफ ढूंढेगा कि मेरे लिए ये ईजी है, मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमें ईजी तरीके पर, ठीक है ईजी, अब उस टेक्निक को, उस प्रॉब्लम को ईजी बनाने के लिए हमने जो टेक्निक डिवाइस की है उसका नाम है कटर टेक्निक। जो कटर टेक्निक के अंदर कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुलाज हैं, लॉन्ग फिस्टुलाज हैं, कई बार मॉडरेटली कर्व्ड फिस्टुलाज हैं, जो हाई फिस्टुलाज हैं, उन फिस्टुलाज के अंदर हम कटर टेक्निक को यूज़ करते हैं। कटर टेक्निक प्राइमरली उन केसेस के अंदर यूज़ कर रहे हैं जहाँ हम, आप सोचिए कि लंबे फिस्टुलाज हैं, हमें अंदर से उसको ठीक करना है पहले, बाहर से बाद में करना है, तो हम ग्रेजुअली ग्रेड वाइज जहाँ हाई ग्रेड है, यहाँ जहाँ ज़रूरत है, पहले उस एरिया को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसकी सेगमेंटल रिसेक्शन करते हैं, पहले उसको ख़त्म किया, फिर दूसरे को किया, धीरे धीरे करते करते अंदर से बाहर आते आते हम पूरा फिस्टुला को क्लियर करते हैं, जिसका नाम कटर टेक्निक है। तो प्राइमरली इसको आप सेगमेंटल रिसेक्शन भी बोल सकते हैं, बट मैं उसे कटर टेक्निक बोलता हूँ क्योंकि इसमें हम स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स के अंदर, जो इन्वेंशन है हमारी ये इसी के ऊपर है कि जब इस तरह के कॉम्प्लेक्स फिस्टुला आए तो देन वी केप्ट ऑन वर्किंग ऑन इट, थिंकिंग अबाउट इट ऑल द टाइम कि अब क्या करें, अब क्या सिचुएशन है। कोलोस्टोमी, हम, मुझे पता था, साइंस पता है इसकी, कोलोस्टोमी से दोबारा आना है और करके भी देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे के एक्सपीरियंस से देख रहा हूँ, खुद किया, पेशेंट को ठीक हुए, बड़े अच्छे हो गए, जैसे कोलोस्टोमी वापस की वापस आ गया। अब कोलोस्टोमी मैं रिकमेंड नहीं कर सकता, ठीक है, वो हट गई, अब रह क्या गया, या तो पेशेंट को बोलो ये ठीक नहीं होना, और या फिर उस पर काम करके ढूंढो उसके ऊपर क्या कर सकते हो। देन बहुत सारी मेहनत करने के बाद ये टेक्निक हमने आइडेंटिफाई करी कि दिस वे हम ना तो स्फिंक्टर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हर पूरे एरिया को पहले अंदर ख़त्म करते हैं, फिर बाहर ख़त्म करते हैं और बीमारी ठीक होती है। और ऐसे ऐसे केसेस जिसके अंदर बोला गया शुरू में, जब मैंने काम शुरू किया तो यही बोला कि मुझे 10% चांस पता है कि ये ठीक होगा, 90% चांस है कि मुझे पता है मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, और वो भी ठीक हो गया है। जब वो ठीक होते हैं तो ऐसे करते करते हमने 25 सेंटीमीटर लंबा फिस्टुला भी करा, 35 सेंटीमीटर लंबा फिस्टुला भी किया, और दैट मेक्स अस कॉन्फिडेंट। फिस्टुला नीचे से निकला, एनस से निकल के टेस्टिस में पहुँच गया, वजाइना में पहुँच गया, वो भी ठीक होके गए। फिर पेशेंट ऐसे आए जिनका यहाँ से निकल के थाइस के अंदर पहुँच गया, 35 से भी लंबा सेंट फिस्टुला, पूरा का पूरा हमारा इंस्ट्रूमेंट ही गायब हो जाता है अंदर, इतना लंबा फिस्टुला। उसके अंदर भी हमने ये कटर टेक्निक यूज़ करी, वो भी इम्प्रूव हुआ है। देन देयर वर डिफरेंट पेशेंट जिसके अंदर एब्डोमेन के अंदर इंटरनली जा रहा है फिस्टुला, एक रूट यहाँ से बनाई बाहर आ गई, बाकी की रूट्स अंदर की तरफ फैलने शुरू हो गई। जब फिस्टुला बाहर नहीं मूव करता तब वो अंदर फैलता है, तब वो और ख़राब सिचुएशन क्रिएट कर देता है, क्योंकि वहाँ पे ना तो दिख रहा है, पेशेंट को तो समझ में ही नहीं आ रही, उसे तो सिर्फ दर्द है, भारीपन है, या कभी कभार बुखार है या बस डिस्चार्ज है, बट ही इज़ नॉट रियलाइजिंग कि यहाँ से निकल के यहाँ आ गया तो पेशेंट समझेगा अरे यार वो तो बढ़ गया, बट यहाँ से निकल के अगर अंदर ही अंदर ऊपर गया तो उसे थोड़ा पता चल रहा है, उसे तो सिर्फ जलन हो रही है या उसे बुखार हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है। तो दिस टाइप ऑफ सिचुएशन के अंदर भी कटर टेक्निक काफ़ी हेल्पफुल हुई, and this is quite good, and I'm अगर मैं देखूँ तो इसके अंदर बहुत few cases हैं, limited गिने हुए हैं, उंगली पे गिन सकते हैं कि जिन cases के अंदर या तो cancer था हमें उनके अंदर ये abandon करना पड़ा, या जिनके अंदर पूरे controls ही ख़त्म हो रखे थे उनके अंदर हमें abandon करा, या कुछ patient ऐसे थे, मेरे पास कुछ patient US से आ रहे थे तो जिनके लिए आना ही, आगे फर्दर ट्रीटमेंट कराना ही मुश्किल हो रहा था, या डिस्टेंस वाज द प्रॉब्लम, उनको छोड़ के मुझे ध्यान में नहीं है कि कोई फिस्टुला ठीक ना हुआ हो आफ्टर इन्वेंटिंग दिस टेक्निक। ठीक है, कोई भी टेक्निक के अंदर 100% कोई भी नहीं बोल सकता, मैं भी नहीं बोल रहा 100%, बट देयर आर नियर एब्सोल्यूट रिजल्ट्स। बिल्कुल आप सोचो कि साइंटिफिकली अगर आप सोचोगे तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट टेक्निक है, ये बाकी टेक्निक्स की तरह नहीं है जिसके अंदर फैलेंसेस हैं,
उसके अंदर इनहेरेंट फ्लेंसी है, मुझे पता है कि यार मैंने काटा है, हो सकता है ऊपर जुड़ जाए, हो सकता है अंदर से जुड़ता हुआ आ जाए, अंदर से जुड़ता आ गया तो फिर तो बहुत लग गई, नहीं आया तो फिर रिकरेंस, वो 20% भी हो सकती है, 30% भी हो गया, पर 30% में जो आ गया, एक भी अगर आ गया तो वो जाके क्या बोलेगा कि फिस्टुला मैंने कराया, मेरे रिकरेंस हो गए। अब एक करने की एक में रिकरेंस हुई है तो उस डर से हजारों और लोग डर जाएंगे, बट नॉट रियलाइजिंग कि सब तक ठीक भी हुए हैं। तो ये नेगेटिव जो पब्लिसिटी फिस्टुला के बारे में हो रखी है कि ये ठीक ही नहीं होगा, ये रॉन्ग है, फिस्टुलाज आर क्योरेबल, वी जस्ट हैव टू वर्क इन द राइट डायरेक्शन ऑन द राइट, जहाँ पे एग्जैक्ट प्रॉब्लम पॉइंट है आइडेंटिफाई करना और उसको खत्म करना। इट मे टेक फ्यू मंथ्स, इट मे टेक फ्यू ईयर्स, इट मे टेक टू डेज, हो सकता है 2 दिन में भी खत्म हो जाए, हो सकता है 2 महीने में खत्म हो सकता है, 6 महीने में हो सकता है, 1.5-2 साल लग जाए, विच इज़ द लॉन्गेस्ट टाइम आई एम टॉकिंग। पर इससे पहले में ही कई बार पेशेंट को हम बोल के चलते हैं 6 महीने लगेंगे, वो 2 महीने में भी ठीक हो जाता है, एंड दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली, किसी को 10 सेटिंग बोली वो 2 में 5 में भी ठीक हो गया, किसी में 2 बोली उसमें 3 भी हो गई 4 भी हो गई, दिस इज पॉसिबल, क्योंकि बॉडी के टिश्यू कैसे उसकी बॉडी बनाएगी इट वेरीज फ्रॉम द पेशेंट टू पेशेंट। कई बार छोटे बच्चे आते हैं, 6 साल का बच्चा आया और देखने में तो लग रहा है कि फिस्टुला लंबा है, इसने 5-6 महीने लेने हैं, कंजेंटल भी हो सकता है, बच्चे जन्म से ही हो सकता है, हो सकता है और ज़्यादा डीप निकले, कितना टाइम लगे, करने को 6 सोच के चले थे, उसमें 2 महीने में ठीक हो गया वो पेशेंट। बट व्हेन वी हैव वर्कड इंटरनली, जब अंदर में हमने लीकेज पॉइंट खत्म कर दिया तो वी आर ऑलमोस्ट श्योर कि ये ठीक होना है। बाकी तो ऊपर स्किन रिकवरी है, वो तो कभी भी हो जाती है, वो कम टाइम भी ले सकती है, ज़्यादा भी ले सकती है, हमें उसकी ज़्यादा वरी नहीं है। अगर हमें इंटरनल पॉइंट्स मिल गए हैं, अगर हमने उस पर प्रॉपर काम कर दिया है, तो वो पेशेंट का फिस्टुला ठीक होना ही होना है, अनलेस कि उसकी मेंटेन बहुत ही ख़राब है, बॉडी का टिश्यू बना ही नहीं सकते, कोई और ऐसी बीमारी है, कैंसर टाइप हो गई या कोई ऐसी लो इम्यूनिटी है, डेट इज़ ए डिफरेंट थिंग विच इज़ वेरी लेस लाइकली, नहीं होता ऐसा, बहुत रेयर पेशेंट होते हैं कि जहाँ सेल बन ही नहीं रहे, बट इन जनरल हंड्रेड्स यू कैन से थाउजेंड ऑफ पेशेंट्स सभी ठीक हो।